अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद होगी ठीक ठाक होगी सर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जिन लोगों के पास में MP1, MP2, MP3 गाड़ी, इन तीनों में गाड़ी कोई भी है तो उन लोगों के लिए वीडियो ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत से गाड़ी वालों को जो बेचारे ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं होता, और काफ़ी लोगों का अपनी खुद की गाड़ी होती है तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है वीडियो। क्योंकि उनको क्या होता है कि उनके पास मैकेनिक नहीं होते, वे रोड पर मैकेनिक बुलाते हैं, मैकेनिक आकर के वो कम से कम 200 रियाल 300 रियाल वो उसके जो आने का लेता है पैसा कि भाई इतने रियाल लेगा, मैं उसके बाद यहाँ तक आएगा और बताएगा क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, अगर हो गया तो मैं फिर इतने लेगा ऐसे लेगा, वो बातें होती है ठीक है। लेकिन जिनका कंपनी का काम है तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। क्योंकि वो कंपनी को फ़ोन करते, कंपनी मैकेनिक भेजती है, वो चेक करती है, उसके बाद कंपनी को जो भी होगा बताती है या काम करके देती है ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मेरे साथ में भी आई थी तो अब से 4-5 दिन पहले। तो क्या हुआ, एक गाड़ी चलती चलती बंद हो गई, और बंद होने से पहले उसका जो स्टीयरिंग है वो भी जाम हो गया, उसके बाद में उसने हवा बनानी छोड़ दी थी। यानी तीन प्रॉब्लम अगर एक साथ आ रही है, आपका स्टीयरिंग जाम हो गया, उसके बाद में गाड़ी बंद हो गया, उसके बाद में तुम्हारा हवा भी नहीं बना रही है, फिर क्या होता है जब आप लोग फ्यूल पंप मार करके स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लेकिन फिर बाद में वो गाड़ी बंद हो जाती है खुद से, थोड़ी हंसा 30 सेकंड बाद वो बंद हो जाती है। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम होती है। और या आप इस तरह भी पता कर सकते हैं कि जो कंप्रेसर का जो पाइप होता है, पाइप को आप क्या करना है, खोल करके पाइप को, जो हवा का पाइप होता है मोटा वाला हदीद का लोहे का पाइप होता है, उसको खोल करके आपको क्या करना है, उसके ऊपर हाथ रख करके प्रेशर का पता करना है कि कितना प्रेशर आ रहा है। अगर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आ रहा या बहुत ही मामूली से प्रेशर आ रहा है तो ये भी एक तरीका है पता करने का ठीक है। दो चीज़ से आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है ठीक है। तीन चीज़ प्रॉब्लम होती है लेकिन दो चीज़ों से पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, चलिए ये बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल तौर पर गाड़ी को साइड में खड़े करना है, केबिन उठाना है, केबिन उठाने के बाद में आपको क्या करना है, जो कंप्रेस होता है हवा का उसके नीचे में आपको 4 बोल्ट मिलेंगे, एक प्लेट के ऊपर में एक प्लेट है जो कंप्रेसर और पंप होता है इंजन का, जो डीजल का पंप होता है उसके दरमियान में देखेंगे तो वहाँ पर एक प्लेट मिलेगी आपको लगी हुई। टायर के उधर खड़ा होकर के देखेंगे आप राइट साइड में तो उसमें आपको दिखेगा इंजन के ऊपर में प्लेट लगी है, उसके 4 बोल्ट खोलोगे 16 नंबर के, और उसके अंदर में एक क्रैंक के जैसा आपको मिलेगा देखने, एक क्रैंक जो इंजन की क्रैंक होती है, सेम छोटी क्रैंक ऐसी होती है जो हवा और जो पंप को घुमाती है एक साथ ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टार्ट करना है गाड़ी को, और स्टार्ट करने के बाद ये देखना है कि वो क्रैंक जो है आपकी घूम रही है या नहीं घूम रही, तो 90% आपकी नहीं क्रैंक नहीं घूम रही होगी। तो उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो हवा बनानी छोड़ देती है, और तुम्हारा जो है स्टीयरिंग है वो कटना बंद हो जाता है, और तुम्हारी गाड़ी जो है स्टार्ट होने के बावजूद भी बंद हो जाती है थोड़ी सेकंड के बाद, 15-20 सेकंड या 1 मिनट के बाद में वो बंद हो जाती है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको ज़रूरी है कि आपको ये चेक कर लेने के बाद, या तो आपके अगर कंपनी के पास गए वर्कशॉप में गाड़ी है तो भी ये प्रॉब्लम कर सकते हो। अगर आप रोड के ऊपर में खड़े हो तो आप क्या करना है कि इस तरह से आप चेक करने के बाद आप लोबट मंगा करके लेकर जा सकते हो। लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता, जिन भाई की अपनी खुद की गाड़ी है लोगों को ऐसा मालूम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, सीधा पहले मैकेनिक को बुलाते हैं, मैकेनिक आएगा मुझे 300 200 300 रियाल लेता है, उसके बाद में बताता है भाई ये प्रॉब्लम है, उसके पैसे वो अलग लेके जाता है, फिर वो लोबट के ऊपर लेके जाती है, लोबट वाले 400-500 रियाल लेकर के सनी में या वर्कशॉप में लेकर के छोड़ता है। तो ये बताने का मकसद था कि इसमें आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई है खुद से ही, सिर्फ 16 नंबर के 4 बोल्ट खोलने हैं, 16 नंबर के 4 बोल्ट खोल करके और गाड़ी को एक बार फ्यूल पंप मार करके डीजल चढ़ा करके उसके बाद स्टार्ट मार के स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बाद में क्या होता है वो गाड़ी बंद हो जाती है, उस टाइम में चेक करना है कि क्रैंक घूम रही है या नहीं घूम रही है ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद होगी वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।